तो स्टॉक ट्रेडिंग की फुल पोटेंशियल को आज हम अनलॉक करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पावरफुल स्टॉक रिसर्च टूल जो कि है topstockresearch.com। वॉल्यूम बेस्ड स्क्रीनर्स, चार्ट पैटर्न स्क्रीनर्स, मल्टी ब्रेकआउट स्क्रीनर्स, ढेर सारे स्क्रीनर्स एंड टूल्स हैं यहाँ पर, जिसके मदद से हम अच्छे से अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ निकालने की कोशिश करेंगे फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। तो मैं आपको कंप्लीट ए टू जेड गाइड दूंगा इस स्टॉक रिसर्च टूल का, जिससे हम अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि जो स्कैनर्स पेड वर्जन में रखे जाते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स के द्वारा, वो इन्होंने बिल्कुल फ्री रखा है हमारे लिए, तो इसका हम पूरा फायदा उठाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्क्रीनर्स एंड टूल्स है उनको मैं इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपना लैपटॉप खुला रखिए एंड जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूं लैपटॉप पे स्क्रीनर्स को कैसे यूज करना है, वो आप चीजें साइड बाय साइड कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बढ़िया डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि है एम स्टॉक। इस ब्रोकर की खास बात यह है कि यहाँ पर यह ब्रोकर लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेडिंग करने का मौका देता है आपको। यहाँ पर आपको केवल वन टाइम फी देनी पड़ती है जो कि है 999, और ये 999 एक बार फी देने के बाद आप यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स, डिलीवरी, इंट्राडे, एफ एंड ओज, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, इन सब में आप जीरो ब्रोकरेज के साथ काम कर सकते हो फॉर द लाइफ टाइम। आप यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर इस फीचर पर आकर प्रैक्टिकली खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आप यहाँ पर कितना बचा सकते हो ब्रोकरेज। तो नॉर्मली हमें ब्रोकरेज पर ऑर्डर 20 रुपीज का देना पड़ता है, राइट, और हर एक ट्रेड के साथ दो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, बाय एंड सेल, तो वैसे तो हमारा 40-40। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई ट्रेडर यहाँ पर 10 ट्रेड ले लेता है इन अ डे, तो 20 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, राइट, बाय एंड सेल के। तो इस तरीके से आप 96,000 का ईयरली सेविंग्स कर सकते हो ब्रोकरेज में। एंड अगर आप मेरे जैसे एफ एंड ओ में एक्टिव ट्रेडर नहीं हो तो आपको ये वन टाइम फी देने की जरूरत नहीं है, आप इस प्लान के साथ जा सकते हो जहां पर 0 रुपीज के साथ ही आप शुरू कर सकते हो, फ्री डिलीवरी फॉर लाइफ। यहां पर आप इक्विटी में काम कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ में जीरो ब्रोकरेज के साथ फॉर द लाइफ टाइम। और ये प्लान लेके अगर आप एफ एंड ओ एंड करेंसी में ट्रेड करते हो तो आपको नॉर्मल ब्रोकरेज जो कि 20 रुपीज पर ऑर्डर का रहता है वो आपको भरना पड़ेगा। एंड यहाँ पर साथ ही में आपका एएमसी लाइफ टाइम के लिए फ्री होगा जस्ट बाय पेइंग ₹999। एंड यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन भी दिया है, या तो आप 999 पे करके एएमसी को फ्री करो फॉर लाइफ टाइम, या आप 120 रुपीज एवरी क्वार्टर भरते रहो। तो ये आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हो। और यहाँ पर एक साल के अंदर इस एम स्टॉक के साथ 3 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़े हैं। यहाँ पर इवन जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं वो सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड करते हैं, जो जहां पर बाकी इंडस्ट्री में ब्रोकर्स 18% पर एनम का चार्ज करते हैं, आपको ये ब्रोकर आपको केवल 6.99% से यहाँ पर शुरू होता है इंटरेस्ट, एंड बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है वो 6.99% ही है, जो कि सबसे कम है इंडस्ट्री में। यहाँ पर आप स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड, करेंसी मार्केट्स, आईपीओ, इन सब में आप जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो, जीरो ब्रोकरेज एंड नो हिडन चार्जेस फॉर लाइफ। इवन अगर आप नीचे अचीवमेंट्स में देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 72 करोड़ प्लस का यहाँ पर ब्रोकरेज बचाया है इन्होंने ट्रेडर्स का लास्ट 3 मंथ्स में, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ये ब्रोकर। एंड अगर इनकी टेक्नोलॉजी का हम बात करें तो यहाँ पर यूआई इंटरफेस सब कुछ स्मूथ है, सुपर फास्ट, स्टेबल एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है, एंड यहाँ पर आप इजीली ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पर भी एक्सेस कर सकते हो, सुपर फास्ट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो यू कैन श्योरली वॉच फॉर दिस ब्रोकर। तो अभी हम कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस अमेजिंग स्टॉक रिसर्च टूल की, जो कि है topstockresearch.com। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इस स्टॉक रिसर्च टूल के सारे टूल्स को जानने की, फीचर्स को जानने की, जिससे हम बढ़िया से बढ़िया स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एंड एफ एंड ओ स्क्रीनर्स कहाँ पर है वो भी आपको बताऊंगा। तो पूरा हम यहाँ पर वॉक थ्रू करेंगे कम्प्लीटली, एंड बहुत ही अच्छे से हम स्टॉक्स को ढूंढ सकेंगे इंडिपेंडेंटली विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। तो इस topstockresearch.com को आपको सिंपली ब्राउजर पर सर्च करना है। यहाँ पर सर्च करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका इंटरफेस दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका इंटरफेस भी काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर आपको ऊपर ही बहुत सारे टूल्स नज़र आएंगे। यहाँ पर डाटा है इंपॉर्टेंट, जैसे कि टॉप गेनर्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स थे दिन में जिन्होंने बहुत यहाँ पर तेज़ी दिखाई है। फिर की इंडेक्स एनालिसिस आप देख सकते हो कि बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स कौन सा था आज के दिन, फार्मा एंड मीडिया, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल अभी जो मार्केट है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर फार्मा में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था PSU बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्राइवेट बैंक, एंड यहाँ पर इंडेक्स लिस्ट। तो ये सारा डाटा है यहाँ पर टॉप लूजर्स का। देन बजिंग स्टॉक्स ऑफ द डे, मतलब वॉल्यूम्स कहाँ पर है ज़्यादा, तो ये डाटा रिकॉर्ड होता है एंड ऑफ द डे पर शाम को। तो यहाँ पर आपको हमेशा एंड ऑफ द डे पोस्ट मार्केट आवर्स यहाँ पर एनालाइज करना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर ही आपको टी एस आर मतलब टॉप स्टॉक रिसर्च स्ट्रेंथ इंडेक्स, कि कौन से स्टॉक्स बुलिश हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टॉक्स यहाँ पर आएंगे, हाई टू लो ग्रोथ, हाई टू लो वैल्यू, इन सभी को अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमारे लिए रिलेवेंट है। यहाँ पर बहुत सारे हैं एक्चुअली, आप यहाँ पर साइड बार में देखोगे ना तो बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पर,
जो कि यहाँ पर सभी के सभी फीचर्स रेलिवेंट नहीं है, जो रेलिवेंट है और जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, जो सच में स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हमारे अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए, उन्हीं फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे और कौन से पावरफुल टूल्स हैं उन पर ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वोलेटिलिटी, बीटा शेयर्स, ट्रेंडिंग स्टॉक्स, यहाँ से आप स्क्रीन भी कर सकते हो डायरेक्टली ऊपर ही कि कौन से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं वगैरह वगैरह, आपके हिसाब से, आपके सेटअप के हिसाब से। एंड जो एफ एंड ओ स्क्रीनर्स पूछ रहे थे मुझे बार बार कमेंट सेक्शन में कि एफ एंड ओ स्क्रीनर्स कौन से वेबसाइट पर मिलता है, तो यहाँ पर topstockresearch.com आपको ये फ्यूचर एंड ऑप्शन स्क्रीनर प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आप देख सकते हो इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, पोजीशन बिल्डअप क्या है, शॉर्ट कवरिंग वगैरह वगैरह आप देख सकते हो और यहाँ से आप स्क्रीन कर सकते हो। तो ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्क्रीनर पर मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं खुद इक्विटी स्विंग ट्रेडर हूँ एंड मैं एफ एंड ओ ट्रेडिंग इंकरेज नहीं करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन स्क्रीनर, जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से। तो अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि मैंने नोट किया है एंड आपको भी नोट करना चाहिए। तो यहाँ पर आके हमें क्या करना है और किन किन स्क्रीनर्स को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, तो शुरू करते हैं मार्केट स्क्रीनर से। तो पहला है मार्केट स्क्रीनर का सेक्शन, यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्राइस वॉल्यूम, हाईज एंड लोज, रिटर्न्स एंड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर प्राइस वॉल्यूम को पहले हमें चेक करना है, हाँ इसको चेक करना है, और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा फीचर हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। तो ये रिलेवेंट है अभी वॉल्यूम का, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर्स फॉर इंडियन मार्केट आपको इस तरीके से दिखाई देगा, एंड नीचे आपको दिखाई देगा वॉल्यूम बेस्ट स्क्रीनर्स। वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्निकल एनालिसिस में, हम सभी लोगों को पता है प्राइस एंड वॉल्यूम ही हमारा कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो वॉल्यूम के बेसिस पर हम किस तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं वो आप इस स्क्रीनर के जरिए कर सकते हो। तो जंप इन वॉल्यूम है जो पहला ही आपको स्क्रीनर दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जंप इन वॉल्यूम जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंट्राडे, वीकली, मंथली, मतलब कौन से टाइम फ्रेम पर आपको ये स्क्रीन को रन करना है। तो एज अ स्विंग ट्रेडर हमें हमेशा कौन से टाइम फ्रेम पर फोकस करना चाहिए, मैंने हर बार आपको बताया ये चीज, जो कि है वीकली टाइम फ्रेम। हमारे लिए ये टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीकली टाइम फ्रेम। इस पर अगर हम स्क्रीन करेंगे ना मोस्ट ऑफ द टूल्स को, तो हमें हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ओके, हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स यहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर सिलेक्ट करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर सिलेक्ट करोगे तो ये वो सारे स्टॉक्स दिलाएगा जहाँ पर वॉल्यूम में जंप देखने को मिल रहा है, बड़े अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद तुरंत आपको एक काम करना है, वॉल्यूम चेंज परसेंट पर आना है एंड इसको शॉर्ट करना है, अरेंज करना है हाईएस्ट ऑर्डर में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ कारोबार हुआ है उस स्टॉक्स को हम पहले एनालाइज करेंगे। तो आप देख सकते हो फैक्ट फर्टिलाइजर कंपनी, फिर आईसीएक मतलब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज शायद से, एंड फिर सीआईटी, ये सारी कंपनीज वो हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहा है आज के दिन वीकली बेसिस पर। आप ऊपर देख सकते हो टिक मतलब क्या है, टिक मतलब टाइम फ्रेम है। ओके, तो यहाँ पर आईसेक, तो चलिए आपके सामने ये एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर स्टॉक को हमें ट्रेड करना है, बिल्कुल भी नहीं, हमें इसमें से एक दो ही स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है हमारे सेटअप के हिसाब से। अगर हमारे सेटअप के हिसाब से ये स्टॉक्स नहीं है तो हम इनको ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। तो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को देखते हैं पहले। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईसेक मतलब ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज स्टॉक है। तो ये रहा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड का चार्ट। तो हमने जंप इन वॉल्यूम्स में स्टॉक को ढूंढा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे वॉल्यूम में जंप देखने को मिल रहा है 17 अक्टूबर को, यस। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे इस स्टॉक को, तो सेटअप कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, एक डबल बॉटम पैटर्न है एंड यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। बाय द वे यहाँ पर बहुत ही बड़ा हायर विक का फॉर्मेशन हुआ है, ऊपर की तरफ का यहाँ पर टेल का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब सेलिंग प्रेशर है, राइट। और ये जो सेटअप है ये मेरे सेटअप से मैच नहीं करता है, इसलिए मैं इस स्टॉक को इग्नोर करूंगा। तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को ही ट्रेड करना है। ओके, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसी के पास ये ट्रेड कर रहा है, अगर इसके ऊपर चला जाता है देन ये ऊपर जा सकता है। पर ये जो सेटअप है आई डोंट लाइक दिस सेटअप, आई विल इग्नोर दिस स्टॉक। ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को ही हमें ट्रेड करना है। तो दूसरा स्टॉक देखेंगे, तो मैं यहाँ पर दीपक फर्टिलाइजर्स, मुझे स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है, सो आई विल सर्च दीपक फर्टिलाइजर्स ओवर हियर। तो दीपक फर्टिलाइजर्स को देख लेते हैं एक बार कि क्या चार्ट फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है और क्या ये सेटअप हमारा मैच हो रहा है या नहीं। डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो ये इस तरीके से कुछ चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि यहाँ पर खासियत क्या है इस पैटर्न की। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर कर्व के साथ ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो डाउन ट्रेंड था, फॉल हुआ स्टॉक प्राइस में बहुत अच्छे से, एंड अभी ये रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। टर्न अराउंड पैटर्न है ये, राउंडिंग बॉटम, कर्व स्ट्रक्चर, कप फॉर्मेशन, इस तरीके से आपको कोई भी पैटर्न नजर आता है देन उसमें हमें ट्रेड करना चाहिए, अगर रेंज कंसोलिडेशन भी ज्यादा पीरियड का है तब। तो यहाँ पर रेंज कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि कितने समय से ये पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि 2022 दिसंबर में इस पैटर्न की शुरुआत हुई, राइट। तो 7-8 मंथ्स हो गए हैं लगभग, तो 8 मंथ्स, 1 साल से ज्यादा, 2 साल, मल्टी ईयर सेटअप है तो और भी अच्छा। तो हमेशा हमें ऐसे सेटअप्स में ट्रेड करने की
कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस के ऊपर अभी ये फिलहाल जा चुका है, नीचे वॉल्यूम्स में भी जंप अच्छा खासा देखने को मिल रहा है राइट, एंड उस स्क्रीनर में भी हमने ढूंढा था इस स्टॉक को। तो यहाँ पर इस स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, टर्न अराउंड परफेक्ट पैटर्न है, अभी फिलहाल यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो हम इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। तो परफेक्ट सेटअप मैच हो रहा है राइट, तो इस स्टॉक को मैं अपने वॉच लिस्ट में रख दूंगा। अभी ऐसे ही हम यहाँ पर इन सारे स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, अगर परफेक्ट स्टॉक मिल जाता है तो आप वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं दूसरे टूल के बारे में। तो वॉल्यूम्स की तो बात हमने कर ली राइट, जंप इन वॉल्यूम में हमें स्टॉक्स को स्क्रीन करना है। अभी बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट टूल की एंड फीचर की। तो सेकंड इंपॉर्टेंट स्क्रीनर इस टूल का है हाइज एंड लोज। बिल्कुल, हाइज एंड लोज ये तो बहुत ही रेलिवेंट है हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहां से हम कैसे अच्छे से अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं वो देखते हैं। चलिए, तो हाइज एंड लोज में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तीन सेगमेंट्स, न्यू हाइज, न्यू लोज, वाइस वर्सा है राइट, और नियर हाइज, नियर लोज। तो यहां पर आपको मैं पहले एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर न्यू हाइज में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे कि 1 वीक का हाई, 2 वीक का हाई, 1 मंथ का हाई, 6 मंथ्स का हाई, 2 ईयर्स हाई, 5 ईयर्स हाई। तो यहां पर मैं हमेशा प्रीफर करूंगा जितना ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर यहां पर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू 5 ईयर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है वही मैं प्रीफर करूंगा राइट, क्योंकि हमें मल्टी ईयर सेटअप्स ढूंढना है। तो न्यू 5 ईयर्स हाई ज्यादा पावरफुल रहेगा न्यू 3 मंथ्स हाई के मुकाबले। तो न्यू 5 ईयर्स हाई को अभी हम स्क्रीन करते हैं। तो न्यू 5 ईयर्स हाई स्क्रीनर को क्लिक करने के बाद आपके सामने वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जहां पर न्यू 5 ईयर हाई क्रिएट हो रहा है आज के दिन लेटेस्ट पीरियड में। तो आपको यहाँ पर डाटा दिखाई देगा क्या 5 ईयर लो, 5 ईयर हाई डेट क्या है। तो यहाँ पर हमेशा हमें क्या चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि जो 5 ईयर हाई डेट है इसको हमेशा हमें सॉर्ट करना है इस ऑर्डर में कि जो लेटेस्ट करंट पीरियड जो चल रहा है इसके दूर का डेट ही हमें सिलेक्ट करना है हमेशा। तो यहाँ पर 17 अक्टूबर आ रहा है, 18 अक्टूबर आ रहा है, तो सारे जो डाटा है ये लेटेस्ट ही डाटा है राइट। सपोज आपको इस तरीके से दिखाया जाता है कि यहाँ पर सितंबर है, अगस्त है, तो पहले वो स्टॉक्स को हम एनालाइज करेंगे जिन्होंने अपना 5 ईयर का हाई 2 महीने पहले या जो लेटेस्ट पीरियड से दूर वाले डेट है उनको हम पहले एनालाइज करेंगे। तो यहाँ से हम वो सारे स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं जो कि न्यू 5 ईयर हाई को क्रिएट करें, जिसके IRB ने आज यहाँ पर न्यू 5 ईयर हाई लगाया। आप यहाँ पर चार्ट पर भी देख सकते हैं, अगर मैं IRB इंफ्रा इसको सिलेक्ट करूंगा तो आपको दिखाई देगा कि आज IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने न्यू 5 ईयर हाई क्रिएट किया है। एंड यहाँ पर सेटअप आपको अपने हिसाब से नजर आ रहा है, एक बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर राइट। बढ़िया ब्रेकआउट होने के साथ यहाँ पर 5 ईयर हाई का फॉर्मेशन हो चुका है एंड वॉल्यूम्स भी देखो नीचे। इस तरीके से सारे क्राइटेरियाज मीट हो जाते हैं एंड हमें वो सेटअप पसंद आता है, देन ओनली वी विल सिलेक्ट दैट स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रेडिंग। अभी हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। ऐसे ही आपको सारे स्टॉक्स को एनालाइज करना है राइट, KPR मिल। तो यहाँ पर KPR मिल को भी मैंने एनालाइज कर लिया है। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ KPR मिल लिमिटेड। देख सकते हो आप भी कि कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर कर्व का फॉर्मेशन हुआ है। एक्जैक्टली कब फॉर्मेशन हुआ है वो भी मल्टी ईयर सेटअप है। देखो आप 27 दिसंबर में इसका हाई क्रिएट हुआ था राइट 2021 में, तब से लेकर ये इसी रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर एक मिनी रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका था, इसको हम स्टेज 1 भी कह सकते हैं। यहाँ पर स्टेज 1 में यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ अपर रैली करने के बाद एंड ब्रेकआउट हो जाने के बाद स्टॉक अभी फिलहाल अपने मेजर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के पास आ चुका है एंड इसका ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहाँ पर न्यू 5 ईयर हाई का क्रिएशन हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेटअप भी मैच हो रहा है राइट, एक्जैक्टली ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं एंड अभी भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, तो हम इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी आएंगे जरूर जैसे कि फैक्ट लिमिटेड या त्रिवेणी लिमिटेड जिन्होंने न्यू 5 ईयर्स हाई तो क्रिएट कर लिया है पर ये बहुत ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में हमें ट्रेड नहीं करना है। सेटअप मैच हो रहा है तभी हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं ट्रेड करेंगे राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर अच्छा खासा ब्रेकआउट तो हो गया था रिसेंटली, आप क्लियरली देख सकते हो यहां पर, और न्यू 5 ईयर हाई भी यहां पर क्रिएट हो चुका है, इसलिए इस स्टॉक का नाम स्क्रीनर के अंदर आ रहा है राइट। तो हम 1 मंथ टाइम फ्रेम पर अगर इस स्टॉक को देखते हैं तो ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है एंड यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, रिसेंटली सेटअप कुछ वैसे बनकर नहीं आ रहा है, तो हम इस स्टॉक को ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमें सभी स्टॉक्स को देखना है जहां पर भी हमें IRB या हमने अभी KPR मिल स्टॉक को देखा तो ऐसे सेटअप्स का फॉर्मेशन हो रहा है जो जहां पर अभी भी अपॉर्चुनिटी बनकर आ रही है वैसे ही हम स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। तो अभी इससे भी पावरफुल टूल मैं बताना चाहता हूँ हाइज एंड लोज में, जो कि है अगर आप यहाँ पर ऊपर आओगे तो न्यू हाइज आपको दिखाई देगा। तो हमने सब सेगमेंट्स के बारे में बात किया था कि वहां पर नियर हाइज था, नियर लोज था, फार्देस्ट फ्रॉम हाइज था, फार्देस्ट फ्रॉम लोज था। तो यहाँ पर फार्देस्ट फ्रॉम हाइज से भी आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं एंड इवन आप यहाँ से बिफोर ब्रेकआउट स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो, वो कैसे अभी देखते हैं। तो फार्देस्ट फ्रॉम हाइज पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि स्टॉक फार्देस्ट फ्रॉम 1 वीक हाई, 2 वीक्स हाई, 1 मंथ हाई, सेम यहाँ पर सारे टाइम फ्रेम है। तो हमें कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है राइट,
5 ईयर्स का ही हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडर्स हैं एंड हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को ट्रेड करना है। यहाँ पर हम मोर पर सिलेक्ट करेंगे और ये स्क्रीनर यहाँ पर वो सारे स्टॉक स्क्रीन करके आपको दे देगा जो कि हाई से कुछ सर्टेन परसेंटेज लेवल नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हमें हमेशा ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए जो कि ऑल टाइम हाई लेवल पे नहीं है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स भी अच्छे होते हैं, पर कभी कभार हमें ऑल टाइम हाई से जो सर्टेन लेवल नीचे ट्रेड कर रहे हैं, सर्टेन प्राइस चेंज परसेंट जिनका नीचे है, उनमें भी हमें ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बिफोर ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 ईयर हाई परसेंटेज डिफरेंस दिखाई देगा। तो 5 ईयर हाई परसेंटेज डिफरेंस का मतलब होता है कि ये जो स्टॉक्स है जिसकी IGL लिमिटेड आ रहा है राइट, तो 25% नीचे है ये अपने 5 ईयर हाई लेवल से। अभी समझ में आया आपको? तो ये होता है पावर। इसलिए कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा ऐसे स्टॉक्स को ढूंढो जो कि अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 25% नीचे हो, 20% नीचे हो, जहां पर अभी भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो यहां से मैंने कुछ बढ़िया स्टॉक्स को ढूंढा है, जैसे कि आप देख सकते हो बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड, ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। तो इस स्टॉक का मैं पैटर्न आपको दिखाना चाहता हूं। तो यहां पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को ओपन किया है एंड यहां पर आप अपॉर्चुनिटी को क्लियर देख सकते हो। मैं आपके सामने पैटर्न को ड्रॉ करता हूं और आप भी बता सकते हो क्लियरली कि ये पैटर्न का नाम क्या है। You are right, pole and flag pattern. यहाँ पर pole and flag pattern वाला stock हमने ढूंढ निकाला है with the help of farthest from high screener. तो यहाँ पर 5 year का हमने जैसे कि देखा था कि ये 27% नीचे trade कर रहा है high level से। तो अभी हम check करते हैं कि वो data सच है या गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो high level है वो 20.25% यहाँ पर ऊपर है right? तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो क्रॉस चेक करके कि वहाँ पर क्या लिखा गया था। सो 26.87% यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड अभी फिलहाल 26.87% का डिफरेंस है हाई लेवल में और करंट मार्केट प्राइस में। और वैसे ही हमने यहाँ पर भी देखा, आपके सामने मेजर किया मैंने 26.50%। तो एक्जैक्टली ऐसे स्टॉक्स आएंगे जो कि अपने हाई लेवल से नीचे ट्रेड कर रहे हो एंड कुछ बढ़िया पैटर्न का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तभी हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप सभी लोगों को पता है, अगर आपको एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का तो आप यहाँ पर स्विंग हाई जो प्रीवियस स्विंग हाई लेवल है इसको अगर ये ऊपर चला जाएगा देन हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम ऐसे और मैंने कुछ स्टॉक्स को ढूंढा था यहाँ से, तो आप ऐसे कुछ बढ़िया स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हो। इन सभी स्टॉक्स को आपको एनालाइज करना है स्टेप बाय स्टेप एंड आपको एक दो तो स्टॉक्स अच्छे मिल ही जाएंगे। तो दिस इज द वे यू हैव टू स्क्रीन द स्टॉक्स। और एक एग्जांपल आपके सामने CDSL लिमिटेड। अभी हम CDSL का भी चार्ट एक बार खोल के देख लेते हैं कि CDSL कितना नीचे ट्रेड कर रहा है, 25% नीचे ट्रेड कर रहा है जिसके हमने देखा अभी वहां पर एंड सेटअप मैच हो रहा है क्या। सो कर्व फॉर्मेशन अगेन एक्जैक्टली जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर हाई पॉइंट है राइट, यहाँ पर स्टॉक ने हाई यहाँ पर क्रिएट किया था ऑल टाइम हाई लेवल एंड वहां से ये नीचे गिर के प्रॉपरली लोअर हाईज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन किया यहाँ पर 2 times, देन यहाँ पर स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पर टर्न अराउंड स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, कर्व फॉर्मेशन नजर आ रहा है, स्टॉक यहाँ पर फिर से हायर हाईज एंड हायर लोज करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके अगर ये ऊपर चला जाता है यहाँ पर पुल बैक करके तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज आप बढ़िया ढूंढ सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रीनर्स। तो आई होप आपको क्लियर आइडिया आ चुका होगा कि किस तरीके से हमें इस स्क्रीनर का उपयोग करना है। तो अभी तक हमने 2 tools को देख लिया है, वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस करके हम किस तरीके से स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं एंड हाईज एंड लोज में जो मल्टीपल टूल्स हैं इनका यूज करके हम किस तरीके से बढ़िया स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यू हाईज एंड वो भी 5 year पीरियड का एंड फार्देस्ट फ्रॉम हाईज जो कि अभी हमने स्क्रीन किया है एंड नियर हाईज को भी आप इवन स्क्रीन कर सकते हो। तो जितना ज्यादा रिसर्च करोगे आप उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो रिटर्न्स, इंडेक्स एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, हीट मैप। तो सेक्टर एनालिसिस करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप ट्रेंड लाइन पर जाके, ट्रेंड लाइन वेबसाइट है वहां पर आप सेक्टर इंडस्ट्री डैशबोर्ड पर जाके इंडस्ट्री एनालिसिस कर सकते हो। और वो कैसे करते हैं वो मैंने अपने पुराने वीडियोज में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी हम मेन पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत ही रेलिवेंट है यहाँ पर, जो कि है टेक्निकल स्क्रीनर्स। तो यहाँ पर टेक्निकल स्क्रीनर्स के सेक्शन में आपको दिखाई देगा OHLC स्क्रीनर, ओवरबॉट, सोल्ड, ओवरलेज वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर OHLC मतलब ओपन हाई लो क्लोज जो है रहता है ये इंट्राडे के लिए हेल्पफुल है जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो यहाँ से वो स्क्रीन कर सकते हैं कुछ स्टॉक्स। एंड ओवरबॉट एंड सोल्ड भी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इवन स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, पर यहाँ पर उतना एक्यूरेट डाटा नहीं है। तो मैं यहाँ पर ओवरलेज को यूज करता हूँ कई बार। तो यहाँ पर ओवरलेज का मतलब क्या है, ओवरलेज स्क्रीनर्स में आपको कुछ इंडिकेटर्स दिखाई देंगे, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो कि है बॉलिंगर बैंड्स, पैराबोलिक सार एंड इचिमोकू क्लाउड। तो आपको इतना सारे डाटा को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको एक ही स्क्रीनर को देखना है जो कि है बॉलिंगर बैंड्स के अंदर नैरोइंग बैंड का फीचर। अभी नैरोइंग बैंड आपको ऐसे स्टॉक्स दिलाता है जो कि स्क्वीज जोन में चल रहे हैं, बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन यहाँ पर अभी फिलहाल कर रहे हैं। और जो भी स्टॉक्स टाइट कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करते हैं उनमें कई बार वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न देखा जाता है जो कि बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न होता है। तो नैरोइंग बैंड पर आके आपको वीकली टाइम फ्रेम पर आपको ये स्क्रीन चलाना है। तो स्क्रीनर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जहां पर बॉलिंगर बैंड में हमें स्क्वीज पैटर्न देखने को मिल रहा है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पर।
तो यहाँ पर वो सारे स्टॉक्स आ चुके हैं। तो इन सभी स्टॉक्स को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जैसा भी दिख सकता है एंड कुछ स्टॉक्स में ही आपको परफेक्ट सेटअप दिखाई देगा और उन्हीं स्टॉक्स को हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पर मुझे क्राइसिल ये स्टॉक मिला था तो जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर क्राइसिल का चार्ट मैंने ओपन किया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि मैंने बॉलिंग अप बैंड इस इंडिकेटर को भी प्लॉट किया है चार्ट के ऊपर। जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉलिंग अप बैंड स्क्वीज जोन में चला गया है। तो यहाँ पर स्क्वीज जोन में यहाँ पर प्राइस ट्रेड कर रहा है एक्जैक्टली। स्टॉक का जो कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी बहुत ही टाइटली यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस एंड यहाँ पर हमें वॉल्यूम्स भी नीचे अच्छे खासे फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। जो रिसेंट कैंडल है यहाँ पर भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर पैटर्न को ड्रॉ करता हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इस जोन में जाने के बाद इस टाइट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कर दिया है इस रिसेंट कैंडल ने। तो आपको कुछ इस तरीके से स्टॉक मिलते हैं जो कि बॉलिंग अप बैंड के स्क्वीज जोन में जा रहे हो, टाइट कंसोलिडेशन कर रहे हो एंड यहाँ पर एक्सप्लोसिव मूव के चांसेस हैं। अभी हमने देख लिया बहुत सारे टूल्स जिसके मार्केट स्क्रीनर में हमने प्राइस वॉल्यूम देखा, हाईज एंड लोज को देखा एंड नीचे आके टेक्निकल स्क्रीनर्स में हमने ओवरलेज को देखा। तो ओवरलेज में हमेशा हमें बॉलिंग अप बैंड वाला नैरोइंग बैंड का ही स्क्रीनर चूज करना है। उसके बाद हम आते हैं ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर। अभी ट्रेंड इंडिकेटर मतलब क्या होता है? ट्रेंड इंडिकेटर मतलब जो ट्रेंड को बताता है कि स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में क्या ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। तो इसको हम जज करने के लिए ईएमएस स्क्रीनर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेंड इंडिकेटर में आपको ढेर सारे स्क्रीनर्स ये आपको दे देंगे, तो यहाँ से आपको ईएमएस स्क्रीनर को ही चूज करना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की खासियत ये होता है कि ये रिसेंट डाटा को कैलकुलेट करता है। तो एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस दिखाई देंगे, 5, 10, 15, 20। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज अ स्विंग ट्रेडर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है हमारे लिए। तो प्राइस जहां पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है ऐसे ही स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना है। तो इस स्क्रीनर का ये मतलब है। तो यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे एंड इस स्क्रीनर को स्क्रीन करेंगे। तो स्क्रीन करने के बाद हमारे सामने कुछ स्टॉक्स आ गए हैं, ABFRL मतलब आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। तो सारे स्टॉक्स आ गए हैं जहां पर लेटेस्ट मार्केट प्राइस 200 EMA को क्रॉस कर रही है और वो भी कौन से टाइम फ्रेम पे? वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अभी हम ABFRL को एनालाइज करते हैं चार्ट के ऊपर कि क्या यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के साथ क्रॉस करने के साथ कुछ सेटअप बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड का चार्ट ओपन किया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जिसके हमने देखा था कि हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जहां पर लेटेस्ट करंट मार्केट प्राइस जो है ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ब्लू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है ये 200 वाला है, 200 EMA एंड लेटेस्ट प्राइस ने यहाँ पर इस कैंडल ने क्रॉस कर लिया है, राइट। तो यहाँ पर 200 EMA को भी क्रॉस किया है एंड उसके साथ ये जो येलो एंड रेड लाइन है ये 20 EMA और 50 EMA है। तो इन सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का मैं इस्तेमाल EMA कन्वर्जेंस को ढूंढने के लिए करता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, मतलब बहुत ही क्लोज है सारे तीनों के तीनों EMAs। तो जब भी आपको इस तरह से दिखाई दे कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास 20 भी है, 50 EMA भी है और तीनों के तीनों कन्वर्ज कर रहे हैं एंड प्राइस भी इनको ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर एक्सप्लोसिव मूव होने के चांसेस होते हैं। तो EMA कन्वर्जेंस कंसेप्ट भी आपको पता चल गया इसके साथ ही। तो ABFRL एक क्रूशियल लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ये जो जोन है इंपॉर्टेंट 230 का, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता था पहले पास्ट में एंड अभी यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाने के बाद इस जोन के नीचे ट्रेड करने लगा एंड आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जोन के नीचे ट्रेड करने के बाद स्टॉक ने कुछ इस तरीके से पैटर्न का फॉर्मेशन किया है जो कि है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर इस पैटर्न को देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि स्टॉक प्राइस ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है, उसके साथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन किया है। तो ये है एक परफेक्ट सेटअप के साथ हमें स्टॉक मिला है जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है, उसके साथ हमारा पैटर्न भी यहाँ पर मैच हो रहा है। तो ये था स्टॉक जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं। तो प्राइस क्रॉसिंग अबाउट 200 EMA में हमें पहला स्टॉक ही बढ़िया मिल गया है। उसके बाद NICL, SFL, NICL में अगर आपको मैं बताऊं तो NICL हम सर्च करते हैं एंड देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमें कुछ सेटअप नजर आ रहा है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ। तो यहाँ पर मैं इस बॉलिंग अप बैंड को क्लोज कर देता हूँ एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को प्लॉट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाना क्योंकि हमने वीकली टाइम फ्रेम पर स्क्रीन किया है, राइट। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाने के बाद आपको क्लियरली दिखाई देगा कि स्टॉक का प्राइस अभी रिसेंटली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर चुका है, क्रॉस करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यस, वो स्क्रीनर आपको एक्यूरेटली स्टॉक्स दे रहा है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। बस आपको ये देखना है कि इस स्टॉक सेटअप को मैं ट्रेड कर सकता हूं या नहीं। तो यहां पर मुझे उतना कुछ अच्छा सेटअप नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इस स्टॉक को नहीं ट्रेड करूंगा। तो इस तरीके से हमने ट्रेंड इंडिकेटर के मदद से हमने बढ़िया स्टॉक को भी ढूंढ लिया है जो कि था ABFRL। तो हर टूल का मैं इस्तेमाल करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप हर टूल से किस तरीके से अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो ताकि आप जब भी स्क्रीनर का इस्तेमाल करो तब आप इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से बढ़िया स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो, वॉल्यूम बेस्ड के हिसाब से, हाईज एंड लोज के हिसाब से एंड ट्रेंड इंडिकेटर एंड ओवरलेस के हिसाब से। अभी मैं आना चाहता हूँ चार्ट पैटर्न्स के ऊपर सीधे।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वेबसाइट का, इस टूल का, वो है चार्ट पैटर्न्स। तो यहाँ पर आपको पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स का ऑप्शन दिखाई देता है, एंड ये वेबसाइट आपको ये ऑप्शन देता है कि आप चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से भी किसी भी स्टॉक को स्क्रीन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा स्टॉक चाहिए जहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को भी आप ढूंढ सकते हो। एंड कई बार ये जो फीचर है ना चार्ट पैटर्न स्क्रीनर का, ये पेड होता है। बहुत सारे वेबसाइट्स आपने देखे होंगे जो कि स्टॉक फीचर वगैरह जो कि इसको पेड वर्जन में रखते हैं, पर topstockresearch.com ने ये बिल्कुल आपके लिए फ्री रखा है। तो यहाँ पर मैं आपके चार्ट पैटर्न स्क्रीनर्स में अपने मनपसंद पैटर्न को पहले स्क्रीन करूंगा, जो कि है रिवर्स हेड एंड शोल्डर, जो कि बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। तो मैं इसको किस टाइम फ्रेम पर स्क्रीन करूंगा, वीकली और मंथली, राइट, स्विंग ट्रेडर्स में। तो यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर स्क्रीन कर रहा हूँ, एंड यू कैन सी योर ऑटोमोटिव, एक्सेल लिमिटेड, ट्री हाउस, मिल्टन, सॉफ्टटेक, तो ये सारे स्टॉक्स आ चुके हैं। नीचे आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट फाइव रिकॉर्ड्स ही इन्होंने यहाँ पर अवेलेबल करके दिया है, और बाकी के जितने भी स्टॉक्स हैं वो स्क्रीनर्स के अंदर, वो प्रीमियम प्लान के अंदर आते हैं, पर कोई जरूरत नहीं है प्रीमियम लेने की, यहाँ पर इससे भी काम चल जाता है बहुत बार। अभी हम इस पहले स्टॉक को स्क्रीन करके देखते हैं, एनालाइज करते हैं चार्ट के ऊपर कि क्या सच में रिवर्स हेड एंड शोल्डर का कुछ परफेक्ट सेटअप बन रहा है क्या। तो चलिए चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर आके ऑटोमोटिव एक्सेस को सर्च करते हैं। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि मैंने डेली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक का चार्ट ओपन किया है, एंड यहाँ पर कुछ फॉल होने के बाद स्टॉक प्राइस में शार्प फॉल हुआ, देन प्राइस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड करने लगा इन द स्ट्रक्चर ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो बिल्कुल आपने यहाँ पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है इस स्टॉक में, एंड परफेक्टली यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। पर अभी फिलहाल यहाँ पर बुलिशनेस नहीं है स्टॉक में, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जब यहाँ पर अच्छा सेटअप दिखाई देगा रिसेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, तब हम इसको ट्रेड करने का विचार कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आके अपने बढ़िया चार्ट पैटर्न्स को फिल्टर कर सकते हो जहाँ पर उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शंस दिखाई देगा पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स में, ट्रायंगल, चैनल, ट्रेंड लाइंस। तो ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको कि ट्रायंगल पैटर्न पर अगर आप जाओगे तो आपके सामने वो सारे ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स आएंगे जो कि आपने सीखे थे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में, कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में कौन से स्टॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो चलिए यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक को स्क्रीन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने स्क्रीन कर लिया है, एंड यहाँ पर मुझे अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड ये स्टॉक नजर आया। तो इसका मैं अगर चार्ट आपको दिखाऊं तो आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाई देगा कि एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड रिसेंट जो कैंडल है यहाँ पर रिजेक्शन करके नीचे आ चुका है, एंड यहाँ पर हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के स्क्रीनर में इस स्टॉक का नाम दिखा था, राइट। तो आप यहाँ पर नीचे अगर देखोगे तो इन्होंने इस तरीके से कुछ मेजर किया है। तो यहाँ पर हमें काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न नजर आ रहा है, उतना एक्यूरेट भी नहीं है, पर काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जैसा फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा इस पर्टिकुलर लेवल का 215 का, तब हम यहाँ पर ट्रेड करने का कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का। तो आप यहाँ पर टाइम फ्रेम भी बदल सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको कोई परफेक्ट सेटअप वाला स्टॉक नहीं नजर आ रहा है तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पर जाके भी अपने स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो। तो मैं यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर कर देता हूँ। तो जितना बड़े टाइम फ्रेम पर एक्यूरेट सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, उतना ही वो स्टॉक दमदार रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही बढ़िया स्टॉक देखने को मिला है जो कि है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। चलिए इस स्टॉक को एनालाइज करते हैं हम चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने बजाज फिनसर्व लिमिटेड का मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट को ओपन किया है, एंड आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जैक्टली एक परफेक्ट सेटअप हमें मिल गया है। तो आप इस स्टॉक को जरूर कंसिडर कर सकते हो। दिस इज द हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक विच आई कैन से। तो बजाज फिनसर्व में आप देख सकते हो ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर फेस किया है, एंड नीचे भी लोअर हाइज का हमें फॉर्मेशन नजर आ रहा है। दोनों भी कन्वर्ज कर रही है ट्रेंड लाइंस, मतलब ये परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न है। तो इस तरीके से हम इस स्क्रीनर के मदद से topstockresearch.com पर जाके चार्ट पैटर्न स्क्रीनर्स में बढ़िया स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो यही था मुझे दिखाना। तो मैंने बहुत सारे टूल्स को आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ बताया है, प्रैक्टिकली समझाया है, एंड आई होप सो कि आपको सारे स्क्रीनर समझ में आए होंगे कि कौन सा हमारे लिए रिलेवेंट है एंड कौन सा हमें कंसिडर करना है। वॉल्यूम बेस्ड, हाइज एंड लोज, स्ट्रेंथ इंडेक्स नहीं करना है, ये ओवरलेस पर आना है टेक्निकल स्क्रीनर्स के अंदर, ट्रेंड इंडिकेटर पर आना है, एंड देन हमें सीधे आना है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। चार्ट पैटर्न्स में और बहुत सारे हैं, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, यहाँ पर आके आप बदल भी सकते हो ट्रेंड लाइंस पर आके, नैरो रेंज, वाइड रेंज, पर ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने मनपसंद पैटर्न को देख के वहाँ पर स्क्रीन कर सकते हो जो कि हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स है, जैसे कि ट्रायंगल पैटर्न्स बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स होते हैं, एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर वगैरह वगैरह, और बड़े टाइम फ्रेम पर ही आपको स्क्रीन करना है इन सभी स्टॉक्स को। तो अगर आपको यहाँ से बढ़िया स्टॉक्स मिल जाते हैं ना, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके भी बता सकते हो, एंड अगर ये वेबसाइट आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगी है एंड पसंद आई है तो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।